हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू इलर्नम। तो कि जैसा कि आज एनटीए ने डीबीटी का स्कोर कार्ड रिलीज किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो एनटीए डीबीटी एनटीए की वेबसाइट पे जाके अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो एनटीए ने स्कोर कार्ड रिलीज किया, लेकिन उसने कट ऑफ रिलीज नहीं किया। कट ऑफ एक्चुअली जो डीबीटी कुछ दिनों बाद रिलीज करेगा, ठीक है, जो कट ऑफ होगा डीबीटी के थ्रू रिलीज किया जाए। तो स्कोर कार्ड आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है, आखिर कट ऑफ क्या होगा, किस रेंज पे हम क्वालिफाई करेंगे, कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए, हर कैटेगरी के क्या अपना अपना कट ऑफ होगा। तो उसी बेसिस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 क्या होती है। तो कैटेगरी 1 लिस्ट में जिनका भी नाम आएगा वो JRF के लिए वैलिड होंगे, मीन्स वो कहीं भी PhD के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, उन्हें DBT के थ्रू PhD के लिए फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी, इसमें JRF नहीं मिलता, इसमें आप प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, मीन्स लाइक कि जो DBT फंडेड प्रोजेक्ट्स किसी इंस्टीट्यूट में आते हैं तब उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जहाँ जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप देते हैं वो भी DBT कैटेगरी 2 में जो क्वालिफाई होते हैं वो भी वहां के PhD के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी 1 JRF के लिए होती है, कैटेगरी 2 प्रोजेक्ट के लिए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले बात आता है अनरिजर्व कैटेगरी, मीन्स जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ होगा अराउंड 200 to 210। ठीक है, और जो कैटेगरी 2 में कट ऑफ होगा वो होगा 190 to 195। तो ठीक है, तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ होगा 200 to 210। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट EWS कैटेगरी, लाइक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कट ऑफ। तो उनका कट ऑफ अराउंड होगा 185 to 190, और कैटेगरी 2 के लिए भी 180 to 185। ठीक है, ठीक है, तो EWS का जो कट ऑफ होगा 185 to 195 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं OBC। ठीक है, सो जो OBC का कट ऑफ होगा वो अराउंड होगा 175 to 180। ठीक है, 175 to 180, एंड कैटेगरी 2 में 170 to 175। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल कास्ट SC, इनका कट ऑफ अराउंड 160 to 165 होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो कैटेगरी 2 में होगा 155 to 160। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल ट्राइब की। तो इनका कट ऑफ अराउंड सेम 160 to 165 होगा, और कैटेगरी 2 में 155 to 160। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंटली एबल, नॉन फिजिकली एबल, तो इनका जो कट ऑफ होगा वो भी सेम है, हो सकता है 160 to 165। ठीक है, तो ये कट ऑफ रेंजेस है हर कैटेगरी हिसाब से, और हर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए। ठीक है, मैं बता दूं कि ये हाँ बस ऐसा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जरूरी नहीं है कि जो ऑफिशियल कट ऑफ है इससे मैच करे, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएगा, लाइक आप किस कैटेगरी में आपका नाम आएगा वो उस पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ जो भी आप जो आपने क्वालिफाइड मार्क्स जो आपको मिला है तो इससे कंपेयर करिए और बताए जान लीजिए कैसे किस कैटेगरी में आप एलिजिबल होंगे या किस कैटेगरी में आप क्वालिफाई होने के आपके चांसेस हैं। ठीक है, एक बार फिर बता दे रहा हूं, अनरिजर्व कैटेगरी का अराउंड 200 to 210, EWS का 185 to 90, OBC का 175 to 180, शेड्यूल कास्ट का 160 to 165, शेड्यूल ट्राइब का 160 to 165, एंड सेम डिफरेंटली एबल का। ठीक है, और अगर अभी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लाइक क्वेरी ये ना हो कि फिर से वो क्वेरी ना हो कि लाइक एनी चांस, तो आप एनी चांस से पहले आप जो आपका स्कोर है उससे मैच कर लीजिए, आपको दिख रहा है स्कोर यहां से मैच करके आप जान लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो कट ऑफ मैच कर लीजिए। थैंक यू, एंड इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।